अस्सलामुअलैकुम। साइंस लर्निंग रिसोर्सेज की वीडियो में आपका खुश आमदीद। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है बोर्ड एग्जामिनेशन के हवाले से और दूसरे जितने एग्जामिनेशन है उसके हवाले से। मतलब आपको मैं सिखाऊंगा कि आप कौन सा कैलकुलेटर, मैंने कॉमन कैलकुलेटर लिया था, हर वीडियो में यही वाला कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा आप क्या क्या कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे इक्वेशंस के बारे में बताऊंगा जिनको हम क्रैमर रूल से भी सॉल्व करते हैं, जिनको हम मैट्रिक्स रूल से भी सॉल्व करते हैं, क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन। इसमें क्या होता है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं ए एक्स प्लस बी इक्वल सी। मतलब इधर कोई इस तरह का हो, ए एक्स प्लस बी वाई, मतलब इस तरह का। अगर मैं क्रैमर रूल की बात करूँ, 1x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और 3x प्लस 4y इक्वल 4। ये FSE में भी आते हैं, चैप्टर नंबर आई थिंक 4 में है या फिर 6 में, 4 में है ये वाले, और हम 9th में भी आते हैं और 10th में भी आते हैं। तो इस तरह से मैं आपको बताऊंगा आप कैसे कर सकते हैं। आपने वही वाला कैलकुलेटर लेना है। कैलकुलेटर कौन सा है हमारे पास, वही कैसियो 991EX। देखें आप मॉड पे गए तो देखें यहाँ पे दो क्वेश्चन है, तो देखें 5 पे क्वेश्चन। कौन सी क्वेश्चन है, सिर्फ ये देखें एक्स वाली और वाई वाली, और यहाँ पे भी कोई वैल्यू होती है। तो मैं 1 पे प्रेस करूँगा तो देखें ये वैल्यू निकल आई। अब देखें एक ही जगह का क्या था, 1, 2 और 3। तो देखें यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 1 इक्वल 2 इक्वल 3 इक्वल, नीचे क्या था, 3, 4 और 4। तो देखें 3, 4 एंड 4 इक्वल प्रेस करूँगा, देखें एक्स भी आ गया और वाई भी आ गया। तो इस तरह से जो मैट्रिक्स और ग्रामर रूल हैं वो भी इसमें हो सकते हैं। इसमें हमें क्या होगा, मैंने फ़ौरन इसका आंसर पता कर लिया। इसको क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का ये आंसर होता है। सिमिलरली आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, आप फिर 5 इक्वेशन पे गए तो देखें यहाँ पे अगर आप, आपके पास 3 इक्वेशन हैं, ये वाली इधर देखें 2 पे, तो 3 आप इक्वेशन ऐसे लिख के 3 सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें ये मैं सारा लिख रहा हूँ तो मेरे पास देखें 3 आंसर आएंगे। ये मैंने देखिए सारा ख़राब कर दिया क्योंकि डिटर्मिनेंट इसका 0 आ रहा है, इसलिए वो आंसर रॉन्ग दे रहा है। तो मैं इसका यहाँ पे थोड़ा चेंज करते हैं, अभी भी रॉन्ग आ रहा है। मतलब इस तरह से भी मैं आपको बता रहा हूँ आप क्या कर सकते हैं, 3 बाय 3 और 4 बाय 4 इस तरह से कर सकते हैं। ये देखें अब इसका सही आंसर आया, क्या आया, एक एक्स वाई और जी। तो इस तरह से आप 3 बाई 3 जो होगी आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपके FSE में रिड्यूस एचलन फॉर्म और एचलन फॉर्म के बाद 3 आंसर आते हैं, और आप उसमें R2 - R1 जो रोस लगाते हैं उसमें भी ये चीज़ आती है। तो FSE के भी हवाले से, 9th के हवाले से, 10th के हवाले से आपको टेक्निक्स आनी चाहिए, आपको कैलकुलेटर यूज़ करना आना चाहिए। तो इस तरह से मैं आपको ये बताऊँगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपना कैलकुलेटर से हम सारी चीज़ें, ये आप इसको मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा जिसमें मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।